तरैया थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर पुलिस ने 725 लीटर देशी शराब बरामद की है। इस दौरान तीन कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने तरैया थाने में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि गुप्त सूचना के आधार पर तरैया के पोखरेड़ा गाँव में छापेमारी की गई। तीन ड्रम जिसमें 200 लीटर देशी शराब बरामद की गई। राजकुमार पासवान के घर की तलाशी ली गई तो उनकी झोपड़ी में कोने में छुपा कर रखी गई 30 लीटर देशी शराब बरामद की गई। थाना अध्यक्ष श्री कुमार ने थाना क्षेत्र के मौलनापुर गांव में छापेमारी की। दो प्लास्टिक के झोले पाए गए जिसमें 250 ml का 5 पाउच तथा दूसरे झोले में 3 प्लास्टिक की बोतल में 2-2 लीटर कुल 6 लीटर देशी शराब पाई गई। पुलिस टीम इसके बाद पट्टी पचरौड में बबुआ राय व जितेंद्र राय के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची। बबुआ राय व जितेंद्र राय पुलिस को देखकर भागने लगे। इन लोगों को पुलिस बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ा गया तथा एक गैलन में लगभग 30 लीटर देशी शराब व जितेंद्र राय के आवासीय घर के बरामदे में छुपा कर रखी एक प्लास्टिक का गैलन जिसमें लगभग 30 लीटर देशी शराब पाई गई। इस मामले में तरैया पुलिस ने 3 व्यक्तियों विजय राय, राजकुमार पासवान तथा जगदीश मांझी को आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। डी 11 टीवी के लिए तरैया से एनके नवल की रिपोर्ट।